हाय गाइस, तो हमको दिया हुआ है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड फाइंड मोल्स ऑफ ग्लाइसिन। तो वेट गिवन है हमको 7.5 ग्राम। तो पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास हमारा हो जाएगा M0 को हम ले लेते हैं मोलर मास। नाइट्रोजन है एक, तो एक नाइट्रोजन का मास 14 प्लस कार्बन है दो, 12 एक कार्बन का और दो है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस दो ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस कार्बन हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है मास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो 14 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 5, इस टोटल को अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 75। इसका मतलब है कि वेट वेट हमको दिया हुआ है 7.5 ग्राम, मोलर मास है 75 ग्राम पर मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आपका वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वेट है 7.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 75, ये आ जाएगा 0.1 मोल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोल को एन से डिनोट करते हैं तो एन हो जाएगा 0.1 मोल।